गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। हम डिस्कस करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर नंबर थर्ड के लिए। तो देखिए, इसमें एक क्वेश्चन मान लीजिए इस तरीके से आए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन कैटलिस्ट। अब देखिए, रिस्ट्रिक्शन कैटलिस्ट को हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी कहते हैं। तो अब रिस्ट्रिक्शन कैटलिस्ट, पहले तो हमें देखें एंजाइम्स का काम क्या है, या केमिस्ट्री में हम कैटलिस्ट पढ़ते हैं तो कैटलिस्ट का काम क्या है। कैटलिस्ट या उत्प्रेरक वो केमिकल्स होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करते हैं या इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर एंजाइम्स का भी यही काम है। एंजाइम्स बेसिकली क्या है, मॉलिक्यूलर कैटलिस्ट हैं या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, जो कि सेल्स के अंदर प्रोसेस को फास्ट करते हैं। अब ये एंजाइम्स हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड किस तरीके से हैं। अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या रिस्ट्रिक्शन कैटलिस्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन का मतलब है रिस्ट्रिक्ट करना या रोकना या काटना या स्टॉप करना, और कैटलिस्ट तो हम जान ही रहे हैं उत्प्रेरक है। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन कैटलिस्ट या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का काम क्या है, ये डीएनए को सेपरेट करने का काम करता है। यानी ये डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं, या तो उनको या डीएनए को एक पर्टिकुलर जगह से, एक या दो या बहुत सारी जगहों से काटने का, सेपरेट करने का काम करते हैं। इससे क्या होता है, डीएनए का सेगमेंट जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। किसकी वजह से सेपरेट हो जाते हैं, ये एंजाइम्स इनको, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इनको कट कर देती हैं। किस चीज को कट करती हैं, डीएनए के डबल स्ट्रैंड को, कहां से, किसी भी पर्टिकुलर जगह से, सर्टन पॉइंट से या सर्टन प्लेस से। तो ये काम है इस चीज का, रिस्ट्रिक्शन कैटलिस्ट का या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, डीएनए के डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को सेपरेट करना या कट करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन एचएसी, यहां पर डेफिनेशन पूछी गई है, परिभाषा पूछी गई है, तो हम परिभाषा देंगे। पहले तो हम इसमें बताएंगे एचएसी का फुल फॉर्म क्या है। तो एचएसी का फुल फॉर्म है ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तीन वर्ड है यहाँ पे, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब ह्यूमन यानी कि ह्यूमन बींग से रिलेटेड, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से बनाया गया है, क्या है, क्रोमोसोम। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से बनाए हुए क्रोमोसोम को हम ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहते हैं। इसका डेफिनेशन किस तरीके से हम लेंगे, कैसे लिखेंगे हम डेफिनेशन, देखिए, इट इज अ स्मॉल और मिनी क्रोमोसोम विच हैज बीन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन सेल्स। यानी जो मानव कोशिकाएं हैं उनके अंदर आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम रूप से क्रोमोसोम्स को तैयार किया गया है, तो वही कहलाते हैं क्या, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स या एचएसी। ये जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स में काफी ज्यादा यूज में आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर, डिफाइन फेज मिक्स, यानी कि फेज मिक्स की परिभाषा क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पे छोटा बड़ा किसी भी टाइप का आ सकता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन है तो उसके हम क्या क्या चीजें देंगे, अगर छोटा क्वेश्चन आए तो इसमें इतनी सारी चीजें नहीं, पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में अपना आंसर खत्म करेंगे। बड़ा क्वेश्चन आता है तब हम क्या लिखेंगे, तो उसके बारे में देखें, डिफाइन फेजमेंट्स। अब फेजमेंट्स जो है इन्हें फेजमेंट्स भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन फेजमेंट्स के नाम से आए तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फेजमेंट और फेजमेंट दोनों एक ही चीज है। अभी फेजमेंट्स या फेजमेंट्स बेसिकली क्या है, डीएनए बेस्ड क्लोनिंग वेक्टर है, यानी कि जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स में काम में आने वाले वाहक है ये, यानी जीन क्लोनिंग वेक्टर्स हैं। और यहाँ पे डीएनए बेस्ड क्लोनिंग वेक्टर हैं, यानी कि इनको डीएनए की थ्रू बनाया गया है, आर्टिफिशियली बनाया गया है। और इनके अंदर क्या अवेलेबल है, इनके अंदर बैक्टीरियोफेज और फेजमेंट्स दोनों की प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है, यानी कि दोनों के जेनेटिक मटीरियल को कंबाइन करके फेजमेंट्स या फेजमेंट्स को डिजाइन किया जाता है। अब आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, नेचुरली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इनको कंबाइन किया जाता है, बैक्टीरियोफेज और फेज प्लाज्मिड्स को, दोनों के जेनेटिक मटेरियल को कंबाइन किया जाता है, डीएनए को कंबाइन किया जाता है, आर्टिफिशियली कंबाइन किया जाता है, तब हमारे पास में फेजमेंट्स या फेजमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। अब इनमें क्या चीजें अवेलेबल होती हैं, इनके अंदर लैम्डा जीनोम अवेलेबल होता है, यानी कि लैम्डा जीनोम या लैम्डा बैक्टीरियोफेज के रिलेटेड जीन्स की अवेलेबिलिटी होती है, और कॉस साइज की अवेलेबिलिटी होती है। ये तो किससे आ गया, ये आ गया है बैक्टीरियोफेज मटेरियल से। अब प्लाज्मिड मटेरियल से क्या इसके अंदर अवेलेबल होगा, हमने आपको बताया कि यहाँ पर आर्टिफिशियली ये डेवलप हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन से डेवलप हो रहे हैं दो चीजों के, किस चीज के कॉम्बिनेशन से, बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड।
तो बैक्टीरियोफेज से तो हमारे पास में क्या चीज आ रहे हैं, लैम्डा बैक्टीरियोफेज से पर्टिकुलरली वो जीन्स या वो जीनोम्स जो कि लैम्डा बैक्टीरियोफेज के अंदर अवेलेबल है वो आ गए और उसकी कॉस्ट साइट आ गए। प्लाज्मिड से क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ प्लाज्मिड से आएगा ओरिजिन पॉइंट यानी ओरिजिन साइट जो ओ आर आई साइट होती है वो अवेलेबल होती है और रेजिस्टेंट जीन्स की अवेलेबिलिटी होती है और पॉलीपॉइंटिक क्लोनिंग साइट्स की अवेलेबिलिटी होती है। तो ये तीन चार चीजें इसमें प्लाज्मिड से आती है। तो ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं फेजोइड या प्लाज्मिड्स को डिस्क्राइब करने के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रोफोरेशन, ये वर्ड का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोफोरेशन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक इंपल्स या इलेक्ट्रिक चार्ज से ये चीज रिलेटेड है और फोरेशन मतलब पोर बनाना या छिद्र बनाना, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोफोरेशन पर्टिकुलरली एक मेथड है जीन ट्रांसफर करने के लिए, यानी जीन ट्रांसफर मेथड में एक ये तरीका है। तो इसमें क्या किया जाता है, यहां पर प्लांट प्रोटोप्लाज्म को काम में लिया जाता है जो पादप कोशिका द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म है, उसका जो कंप्लीट अमाउंट है सेल के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म है उसका जो कंप्लीट कंबाइंड अमाउंट है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव्य जिसे कहा जाता है, तो पादप जीव द्रव्य को यहाँ पे काम में लिया जाता है और उसे इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू एक्सपोज किया जाता है यानी कि शॉक किया जाता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स का, पर्टिकुलर अमाउंट के इलेक्ट्रिक इम्पल्स का शॉक दिया जाता है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए दिया जाता है, लगातार नहीं दिया जाता, शॉर्ट इंटरवल में दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, और एक निश्चित अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है। अब इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स से होता क्या है, यहाँ पर जो परमिएबिलिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यानी कि जो पारगम्यता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, दो प्रोटोप्लाज्म को आपस में मिक्स कर सकते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोपोरेशन। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, नेम टू एंटीऑक्सीडेंट्स व्हिच इज यूज्ड इन पीटीसी, पीटीसी मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर यानी कि पादप उत्तक संवर्धन। तो दो आपको यहाँ पे नाम बताने हैं उन एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल्स के जो कि पादप उत्तक संवर्धन में या प्लांट टिश्यू कल्चर में काम में आता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से हैं, एक तो है पीवीपी, इसका प्रथम है पॉलीविनाइल पाइरिडिनोन, और दूसरा है एस्कॉर्बिक एसिड जिसे क्या कहा जाता है शॉर्ट में, विटामिन सी हम कॉमनली इसे जानते हैं। तो यहाँ हमने कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे पेपर नंबर थर्ड के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। थैंक यू।